नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए यदि हम नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आपकी नीट पीजी 2021 हो या 22 हो या उसके बाद हो, चाहे आप फाइनल ईयर में हो, पहले हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या पास आउट हो चुके हो, जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है ना वो सबके लिए वैलिड होती है। हाँ बिल्कुल, कुछ स्ट्रेटजी डिफर करती हैं उसके अकॉर्डिंग, जिस पोजिशन पर आज आप हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन ओवरऑल सेम स्ट्रेटजी होती है सभी के लिए। तो पहली बात यह है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं ना, हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम है ना वो हमसे क्या चाहता है। हर एग्ज़ाम का कुछ आपको हिंट देता है हर प्रीवियस ईयर पेपर से कि वो चाहता क्या है आपसे। देखिए पहले जैसे पेपर आते थे 2018 से पहले, आपके वन लाइनर क्वेश्चन आते थे 3-4 हज़ार 5 हज़ार वन लाइनर याद करो, फिर आपको बहुत अच्छी रैंक आ जाती थी नीट पीजी के अंदर। लेकिन लास्ट 2-3 साल से, मेनली इस साल से पैटर्न बदल चुका है। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लिनिकल बेस आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेसिक से जुड़े कॉन्सेप्ट से जुड़े आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें इंटर कोरिलेटेड आती हैं, सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। ऐसा पैटर्न अब हर, पहले एम्स का था, पीजीआई का था, जिफमर का था, लेकिन अब नीट भी वैसा ही होता जा रहा है, एमसीआई जैसा लंबे लंबे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। और हमें ऐसे पैटर्न के ना तो कभी क्वेश्चन देखे होते हैं, ना कभी हमने प्रैक्टिस की होती है, ना हमें कभी कॉलेज में सुना होता है, लेकिन हमें अब पैटर्न बदला है तो हमें अपने आप को बदलना तो पड़ेगा, वरना एग्ज़ाम तो रिजल्ट वही आएगा जो जैसे आना है आपका अभी आ रहा है। जो हम पता ना कि यार वन लाइनर से नहीं हो रहा पेपर, सच बात है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके गए थे, पर उनका बस मेन चीज़ क्या कमी रह गई थी, क्लिनिकल वन लाइनर सब कुछ याद था, बस वो कोरिलेट नहीं कर पाए, उनको आंसर आते थे लेकिन कोरिलेशन लैग था। तो उसके लिए मेन चीज़ आती है दोस्तों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, वो कैसे बनते हैं। जब भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कुछ भी पढ़ें, देखिए तो आपको चीज़ें कोरिलेट करनी होगी। कोरिलेट कैसे करनी होगी, जो आपका मान लीजिए फार्मा है, मेडिसिन है, पैथो है, ये फिजियो फर्स्ट ईयर में आता है, पैथो और फार्मा सेकंड ईयर में आते हैं, और मेडिसिन फाइनल ईयर में आता है। ये चीज़ें फार्मा फिजियो पैथो से मिलकर तो मेडिसिन बनता है, लेकिन हम इन चीज़ों को सब कुछ अलग मानते हैं, हर चैप्टर को अलग टाइप डील करते हैं, फार्मासी ड्रग के नाम रखते हैं, मेडिसिन में हम पेशेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिजियो में हम सिर्फ मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, पैथो में हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इक्वेशन कैसे आता है चारों को कोरिलेट करके। कोरिलेट देखिए, कोरिलेशन की हमें आदत नहीं होती कॉलेज के अंदर, हमें कोई सिखाता नहीं है, हमें कोई बात नहीं करता है, तो हमारी भी गलती नहीं होती। लेकिन दोस्तों एक बात तो मानना पड़ेगा, एफर्ट तो हमें ही करने पड़ेंगे। यदि देखिए 5 साल होते हैं 5.5 साल एम बी बी एस के, यदि हम चीज़ों को बहुत आसान आराम से समझें कि पैटर्न कैसा है, कैसे पढ़ना है, तो आपके लिए 5.5 साल या लास्ट यदि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में भी हैं, 2 साल भी 1 साल भी आपके पास, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम होगा दोस्तों यह तैयारी करने के लिए। क्योंकि जैसे हम नीट यूजी में तैयारी करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो फिजिक्स का पार्ट इसमें रिप्लेस कर देता फाइनल ईयर वाले क्लिनिकल, बायो रह जाती है सेकेंड ईयर। अब पेपर फिजिक्स के ज़्यादा होता जा रहा है तो हमें उस बेस पर ज़्यादा तैयारी करनी होगी, ठीक है। हम मानते हैं फिजिक्स स्कूलों में भी कम पढ़ाई जाती थी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट होता था तो हम कैसे ना कैसे किसी टीचर की हेल्प से या खुद से एक नए तरीके से इमेजिन करके चीज़ों को क्वेश्चनों को सोल्व करते थे। तो ऐसे ही MBBS भी है, आपको चीज़ों को कोरिलेट करना होगा, आपको ज़्यादा सोर्स से बचना होगा। क्या होता है कि बंदा यार MBBS के अंदर बहुत एनर्जेटिक रहता है, बुक खरीदने के मामले में लाइब्रेरी बनाता है वो, लेकिन यार एक बात आप मुझे बताइए, बुक कितनी भी खरीद लें हम, जब तक और कितनी पढ़ लें हम, यदि जब तक हम उन चीज़ों को याद ना कर पाएँ और जो हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई ना कर पाएँ, उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, ये बताइए मुझे, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात ये भी है, जो बंदा टॉपर टाइप का होता है उसको इन वीडियो जो तो होती नहीं है, वो पढ़ता है वो टॉप कर देगा, लेकिन नॉर्मली जो बंदा होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं मेरे जैसे, आप जैसे,
जो चाहते हैं क्या, थोड़ा कम पढ़े हैं हम, और चीज़ें भी करें लाइफ में, और चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। बस यही थोड़ी ना होता है कि एग्ज़ाम क्रैक करते जाएँ क्रैक करते जाएँ, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें काम करेंगी। और एक चीज़ ये रहती है कि स्टूडेंट जैसे MBBS में आता है या पास कर लेता है तो वो कोचिंग ज्वाइन करता है। अब तो ट्रेंड बन चुका है कोचिंग की, इन कोचिंग का ज्वाइन करूँगा मैं, इनका इनका रोल रहेगा कि मेरा सिलेक्शन करवाएं। कोचिंग करने के बाद दोस्तों, जो स्टूडेंट मैंने पहले अच्छी तरह पढ़ते थे वो बाद में देखें कि वो कोचिंग के सारे कोचिंग की वजह से उनकी पढ़ाई अच्छी वो अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि कोचिंग कर ली तो अब सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपका आपको पता है कितना परसेंट आपका वो रहता है, कितने बच्चे आपके ज्वाइन करते हैं, कितना आपके सिलेक्शन होते हैं? और सिलेक्शन होते हैं वो हर जो कितने भी कोचिंग होते सभी, आप हर हर कोई वही दिखा, हर किसी की फ़ोटो दिखाता है। तो दोस्तों, ये तो इनकी एक मार्केटिंग की वो है, लेकिन हमें समझना होगा कि चीज़ें एग्ज़ाम को कैसे हम हैंडल करना है, बेसिक कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें इंटरेस्ट बनाना पढ़ाई के अंदर, ये चीज़ें मेन है दोस्तों। हो सकता है कि कुछ पॉइंट अभी मिस कर गया हूँ मैं, मेरे को एक बार हम फिर से दे मैंने लिख रखे हैं, लेकिन मैं यदि कुछ पॉइंट मिस कर गए ना, वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तो आप बताइएगा कि इसके अलावा आपके क्या वो है, कि मतलब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका कौन सी ईयर में है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। आप यदि शेयर करना चाहें तो ज़रूर कमेंट करना। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।